good morning students welcome to e-learning class today's our lesson is seventh lesson that's name is parts of plants today we will discuss about the part of plant in this lesson now we know that about uh, parts of plant that leaves और फ्लावर्स और फ्रूट्स और स्टीम रूट्स एस टी सी ई टी सी इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस लेसन में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं नाउ वी विल टे टर्न टर्न ओवर पेज नाउ सेकेंड इज पार्ट्स ऑफ प्लांट सबसे पहले प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं लिविंग थिंग्स होते हैं हमारे तरह वो भी एक जीवित प्राणी होते हैं खाना खाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग पानी पीते हैं सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली ओके नाउ वी कैन डिवाइड देम इन टू पार्ट हम इनको डिवाइड कर सकते हैं इन टू तो पार्ट्स दो पार्ट्सों में हम इसको बांट सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं नाउ रूट एंड शूट रूट्स मीन्स जड़ और शूट्स मीन्स टहनी जड़ें और टहनी के रूप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं नाउ हम एक पिक्चर्स की हेल्प से इसको देखें तो क्या होता है कि हमारे पास में एक ही ट्री होता है या फिर एक पौधा होता है जिसमें हमारे दो पार्ट्स होते हैं एक जमीन के ऊपर वाला पार्ट्स होता है अव द अर्थ होता है एक होता है ब्लो द अर्थ होता है ओके जो ब्लो द अर्थ होता है मीन्स जमीन के नीचे वाला पार्ट होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं और एक होता है फिर ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट जिसको हम देख सकते हैं तो जो देख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है वो होता है शूट ओके okay, वो होता है शूट एंड जो ज़मीन के नीचे वाला होता है अंडरग्राउंड मिलता है उसको बोलते हैं रूट ओके इसके बारे में हम ग्रेफली डिस्कस करते हैं दिस लाइन ओके नाउ दिस लाइन इज व्हाट दिस लाइन से रूट ग्रोज रूट होती हैं ग्रोज होती हैं उगती हैं अंडरग्राउंड जमीन के अंदर और वी कैन से हम कह सकते हैं कि इट द दॉयल ये उगती हैं ब्लो मीन्स नीचे द सॉइल मिट्टी के नीचे मिट्टी के नीचे उगती हैं ओके दिस पार्ट एंकर ये सहारा देते हैं द दे प्लांट्स को पौध प्लांट को पौधे को इन दॉयल जमीन में शो दैट ताकि द प्लांट मे नॉट फॉल डाउन जिससे की वजह से वो गिर नहीं सके ओके okay? इसलिए ये रूट्स होते हैं जो जड़ें होती हैं हेल्पफुल हेल्प करती हैं उनकी क्यों करती हैं देखो जैसे कि हम घर बनाते हैं घर बनाने के लिए जब हम नीम खोदते हैं तो उसको क्यों खोदते हैं बेटा कि हमारी जमीन के नीचे से ही ईंट लगा दी जाती हैं ब्रिक्स लगा दी जाती हैं और ऊपर तक एक वॉल होती है जो दीवार होती है उसको खड़ी कर दिया जाता है अगर हम डायरेक्टली वॉल को जमीन के ऊपर ही खड़ी कर दे तो वो गिर सकती है अगर हम नीम खोद के उसको खड़ी करते हैं तो वो गिरती नहीं है उसी तरह से ये हेल्पफुल रहती है जड़ें होती अगर हमारी पेड़ में जड़ें नहीं होंगी तो हमारा पेट नहीं उग सकता है अगर जड़ें होंगी जड़े की हेल्प से ही वो उग सकता है ओके उसको सपोर्ट मिल सकता है उसको एंकर मिल सकता है ओके नाउ सेकंड इज़ शूट ये तो तुम्हारा रूट जो अंडरग्राउंड मिलता है नाउ शूट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि जमीन के ऊपर होता है शूट ग्रोज एव ऑफ द शॉयल ये मिट्टी के ऊपर एवो ये ब्लो था ये ब्लो था ये नहीं ऊपर है, है। शॉयल मिट्टी की सतह के ऊपर मिलता है इट कंटेन से कंटेन करता है द वर्ड मीन्स कले फ्लावर्स मीन्स फूल फ्रूट्स मीन्स फूल लीफ मीन पत्तियाँ एंड स्टेम मीन तना इन सारी चीज़ों को जो हमारा प्लांट होता है वो रखता है एंड हमको देता है ऑफ प्लांट पेट के जो ये पार्ट होते हैं यहाँ पे मिलते हैं कौन कौन से फ्रूट फल देता है हमको और इस पर स्टीम भी मिलती है और ये हमको फूल भी देता है कली भी होती है इसकी ये सारी चीजें होती हैं तने होते हैं जो ये सारी चीजें होती हैं जो शूट में प्रजेंट होती हैं ओके शूट में यहाँ पे प्रजेंट होती हैं योग्य होता है समर्थ होता है काबिल होता है द प्लांट टू ग्रो टॉलर ये क्या किस लिए सूट होता है जो पेड़ को बड़ा करने में टाल मींस लंबा करने में हेल्पफुल रहता है नाउ टर्न ओवर पेज रूट Root. रूट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो रूट्स भी हमारे दो तरह की होती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि रूट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती हैं अदा करती हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इन द लाइफ साइकिल मीन्स जीवन चक्र में किसके जीवन चक्र में ऑफ ए प्लांट एक पौधे के पेड़ के जीवन चक्र में जो रूट्स होते हैं उनका एक बड़ा ही रोल होता है प्ले करती हैं जिसको वो अदा करती हैं क्या अदा करती हैं इट कैन बी टू टाइप ये दो टाइप की हो सकती हैं कैसे कैसे हो सकती हैं कौन कौन सी हो सकती हैं फेवरेट रूट एंड टैप रूट फेवरेट रूट कौन सी होती हैं फेवरेट रूट होती है रेस रेसेदार रूट जो कि हमारे छोटे छोटे पौधों में मिलती हैं जैसे कि फेवरेट रूट ग्रोज स्प्रेड फैली होती हैं इन ऑल डायरेक्शन सारी डायरेक्शंस में फैली होती हैं ये ओके ये बहुत ही पतली पतली सी होती हैं और सारी डायरेक्शन में फैली होते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में नाउ प्लांट लाइक जैसे कि कौन कौन से प्लांट्स होते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें कि कौन कौन से प्लांट्स में वो फैली होती हैं जैसे कि ग्रास घास वीट गेहूँ राइस चावल बनाना मीन्स केला ओके है फेवरेस रूट उनकी फेवरेस रूट होती हैं और अगर यहीं पे हम बात करते हैं टैप रूट की मीन्स मुख्य जड़ इसमें क्या होता है मेन जड़ें होती हैं जो कि कम डायरेक्शन से फैली होती है लेकिन वो बहुत ही मोटी होती हैं थिक होती हैं ओके टैप रूट इज़ मेन रूट एक मेन रूट होती है मेन रूट होती है और फे प्लांट किसी प्लांट की मेन रूट होती है दैट ग्रोज जो कि उगती है डाउनवर्ड नीचे की तरफ नीचे की तरफ ये चलती जाती है चलती जाती है डाउनवर्ड नीचे की तरफ चलती जाती है प्लांट लाइक -like जैसे कि कैरेट वीट रूट चुकंदर कैरेट गाजर डैंडलिन मीन्स ही पढ़ी ये एक बेटा एक प्रकार का पीले फूल का एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी जो लीव्स होती है पत्तियाँ होते हैं वो बहुत ही रफ और दानेदार होती हैं है वे टैप रूट तो उनकी टैप रूट होती हैं ये हमारे एग्जाम्पल है जैसे कि ये इसके फेवरेस रूट के एग्जाम्पल थे उसी तरह से ये हमारे टैप रूट के एग्जाम्पल है नाओ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ रूट हम यहाँ पे फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे ओके okay? कि क्या क्या कार्य होते हैं रूट्स के नाउ रूट्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस डिस्क्राइब अंडर क्या होता है वेरियस भिन्न भिन्न प्रकार के फंक्शन होते हैं कार्य होते हैं जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे न फर्स्ट एज दे एंकर एंड सपोर्ट द प्लांट ये क्या करते हैं सहारा देते हैं एंड सपोर्ट सहयोग करते हैं प्लांट को ये बेटा प्लांट को खड़े करने में सहारा देते हैं जैसा कि हमने अभी प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ा था ओके okay? लास्ट वाले पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया था कि एंकर क्यों कर क्यों यूज होता है सहारा देता है ओके ना दे एब्जॉर्ब ही एब्जॉर्ब कर लेती है शोक लेती हैं एंड कंडक्ट संचालन करती हैं बहाव करती हैं किस चीज़ का बहाव करती हैं वाटर पानी का ऑक्सीजन्स एंड न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व का फ्रॉम द सॉयल मिट्टी से एंड मिनरल्स मीन्स खनिज का सॉल्यूशंस मेलिक थ्रू द रूट हेयर रूट हेयर के थ्रू क्या करती हैं ये बेटा जो ये इनके लिए ये खाना होता है क्या होता है खाना इनके लिए वाटर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट और मिनरल्स ये सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं ओके एब्जर्व करने के बाद में ये क्या करती हैं रूट के थ्रू ये पूरे पेड़ होता है जो उसमें इनका संचालन करती हैं बहाव करती हैं ये जड़ में होता है जड़ क्या होता है हर अकॉर्डिंग टू देयर नीड जैसे जैसे उनकी आवश्यकता होती है उनको जगह जगह लीव्स में टहनियों में वहाँ पे पूरे पेड़ में इसकी सर्कुलेशन करता है मीन्स बहाव करता है कंडक्शन करता है संचालन करता है ओके okay? जैसे कि हमारी बॉडी में को भी भोजन की जरूरत होती है तो अपने हम मुँह के द्वारा करते हैं और हमारे सारे बॉडी में वो भोजन जाता है कहाँ हमारे मुंह के थ्रू हमारे स्टमक के थ्रू उसी तरह से ये भी जड़ों के थ्रू सारे भोजन को कंडक्शन करती हैं बहाव करती हैं नाउ थर्ड वन इज थर्ड वन क्या है कि दे स्टोर फूड ये फूड को स्टोर करती हैं द फॉर्म ऑफ मॉडिफाई शवलॉन ये फुले हुए परिवर्तन करती हैं मॉडिफाई करती हैं रूट्स जड़ों के थ्रू करती हैं जैसे कि कैरेट स्वीट पटैटो ओके ये क्या करते हैं फूड को भी स्टोर कर लेती हैं और उसको भी परिवर्तन कर देती हैं ओके परिवर्तन कर देती हैं किस को कौन कौन से जैसे कि कैरेट स्वीट पटैटो एसेकट्रा ऐसा इसके एग्जाम्पल हैं नाउ फोर्थ इज दे हेल्प इन कंजर्विंग द शॉयल ये क्या करते हैं मिट्टी को कंजर्विंग करते हैं संरक्षण करते हैं मीन्स इकट्ठा करके रखते हैं ये मिट्टी को ओके ना फिफ्थ वन इज सम रूट्स आर कैपेबल कुछ रूट्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं योग्य होते हैं काबिल होते हैं सक्षम होती हैं और परफॉर्मिंग परफॉर्म perform करने में फोटो सिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कुछ रूट्स होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इनका बड़ा ही योगदान होगा जिसके बारे में हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है ओके नाउ सिक्स इज समूट्स हेल्प इन एरिएशन ऑफ द प्लांट कुछ रूट होती हैं सहायता करते हैं हेल्प करते हैं वायु मिश्रण में एरिएशन मीन्स वायु के मिश्रण में ऑफ द प्लांट पेड़ पौधों के वायु के मिश्रण में की हेल्प करती हैं ओके नाउ तो हमारी एक और पॉइंट्स है जो है हमारे स्पेशल रूट्स के स्पेशल के बारे में जाने के अपने रूट्स के बारे में जाना रूट के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया अब हम रूट्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी किस किस तरह के रूट्स होते हैं और किस किस रूट का क्या क्या वर्क होता है क्या क्या फंक्शन होता है दीज आर सम मोर रूट्स यहाँ पे कुछ ज़्यादा रूट्स दिखाई गई हैं हमको कुछ रूट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है विच आर आल्सो हेल्पफुल फॉर ए प्लांट जो कि प्लांट्स के लिए अलग अलग तरह से हेल्पफुल रहती है नाउ फर्स्ट इज प्रॉप रूट प्रॉप रूट क्या होती है कि प्रॉप रूट प्रोवाइड्स प्रॉप रूट होती है प्रोवाइड करती है एडिशनल सपोर्ट पहाड़ी सपोर्ट एक और सपोर्ट टू प्लांट को पौधों को जैसे कि वन एंट्री जैसे कि बरगद का पेड़ होता है उसमें भी हमारा एडिशनल होता है सपोर्ट हमको देखने को मिलता है नाउ टर्न यूर पेज एंड सेकेंड वन इज हमारी क्या करती है अलाउ करती हैं एब्जॉर्ब करने के लिए सोखने के लिए मोर न्यूट्रियट बहुत सारे पोषक तत्व को और ये जो खनिज वगैरह होती हैं जो हमने मिनरल्स वगैरह होते हैं खनिज वगैरह होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रॉम सॉइल लाइक पेडो एक पेडो होता है जैसे कि उनमें क्या करते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं सोखते हैं न्यूट्रिएंट्स को नाओ थर्ड वन इज फूड स्टोरेज रूट फूड स्टोरेज रूट क्या होती हैं फूड स्टोरेज रूट स्टोर एक्स्ट्रा फूड जो इनकी जैसे कि बेटा इसमें एक्स्ट्रा फूड चले जाता है तो उस फूड को ये जड़ स्टोर करके रख लेती हैं क्यों जब इनको नीड होती है तो वो अपन उस जो स्टोर फूड होता है उसको पहुंचा देती हैं जैसे कि क्या कह रहा है ये कि स्टोर एक्स्ट्रा फूड एक्स्ट्रा फूड को ये स्टोर कर लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में किसके रूप में स्टार्च के रूप में फॉर्म कर लेती हैं जैसे कि कैरेट होती है रेडिस होती है मूली होती है टंडमिन सलजम होती है ये क्या होती है कि ये एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेती है और जब इनको जरूरत होती है फूड की तो ये, ये इन फूड को पहुंचा देती हैं ओके नाउ फिर फोर्थ वन इज फोर्थ क्या है हमारा कि वाटर स्टोरेज फूड अब ये तो था फूड स्टोरेज अब आता है वाटर स्टोरेज वाटर स्टोरेज रूट स्टोर वाटर ये क्या कर देंगे वाटर स्टोरेज रूट है नाम से ही पता चल रहा है तो इसमें वाटर का स्टोरेज होगा वाटर को स्टोर करेंगी फॉर द प्लांट प्लांट के लिए ड्यूरिंग द ड्राई सीजन ड्राई सीजन में ओके okay, जब ड्राई सीजन होता है जैसे कि समर सीज़न होता है उसमें ये स्टोर कर लेती है मंथ्स लाइक like, कुछ महीनों के लिए लाइक चाल्स टन मीन्स अखरोट का जैसे पेड़ होता है तो वो उसको सॉरी वाटर को स्टोर कर करके रख लेता है और जब उसको वाटर की नीड होती है तो ये पर्याप्त मात्रा में वाटर को सप्लाई करता रहता है नाउ प्रोपग्रेटिव रूट प्रोपोगटिव रूट क्या होती है प्रोपाग्रेटिव रूट हेल्प सहायता करती है इन ग्रोज उगाने में ग्रो उगाने में न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट दूसरा एक और प्लांट विद द हेल्प ऑफ इट्स वर्ड लाइक इसके कली के द्वारा ही दूसरा पेड़ को उगाने में हेल्प करते लाइक पम्प के जैसे कि लौकी का पेड़ बेल होती है पेड़ होती हैं ओके वो उसकी बेटा जो कि कली होती है उसके थ्रू ही वो फैलती जाती है और एक दूसरा पेड़ मिल जाता है हमको जैसे कि फिर उस पर जैसे कद्दू की बेल होती है बेटा ओके ये शायद आपको समझ आ गया हो अगर आपको समझ नहीं आया हो कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से लाइव ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं ओके नाउ थैंक यू क्लास